Sam. I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. Dunya Poor. Or Green Entertainment after a long time, I think. Kitna long time, bhai. Haan, ek time tha jab hum back-to-back Green ke dramas pe reaction kar rahe thi. You know, I bhi gayi thi Green Entertainment ko. Haan, main bhi. क्योंकि हम लोग बीच में हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि एटलीस्ट जब वो स्टार्टिंग में आया था ना बैक टू बैक दे रहा था बट एक्चुअली उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे एंड बाकी सबसे बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे थे. इसके सीरीज कैसे गए मतलब कुछ आइडिया है? तीन चार सीरीज अच्छे गए, बाकी कोई इतना खास सुना नहीं, हमने नहीं सुना वहाँ पे, पता नहीं कैसा गया कैसा नहीं. वही यार, इसमें कौन है एक्टर्स? कुशाल है और रमशा. ओहो, और कुशाल के भी अब पता है यहाँ पे अपने इधर भी थोड़े फैंस हैं अब कुशाल के भी. हाँ, क्योंकि टू क्यूट एक वो फेरी टेल वाले. हाँ. उनका मेरा नाम ही नहीं याद रह रहा है यार. फवाद. मेरे साथ तो नहीं रहते, तू क्या स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे टीजर्स है इसके एंड इसमें वैसे जितना हमने थंबनेल एंड ऑल से देखा है लुक इसके अंदर काफी डिफरेंट होने वाला है व्हिच इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग क्योंकि हमने रमशा को भी मैक्सिमम जैसे देखा है एक तो हमने उसमें देखा है हम तुम में वहाँ पे वो बहुत अलग थे एंड कुशाल का तो दिमाग में इमेज इतना इस चॉकलेट बॉय टाइप है. बाकी वो वर्सेटाइल बहुत इजीली हो सकता है क्योंकि अपन ने बरसात के टीजर में उनको देखा था, उससे पहले अपन ने अलग में उनको देखा था और हर जगह वो ऐसे जस्टिफाइबल लग रहे हैं, दिखते इतना अच्छे. असल डर क्या होता है जानते हैं? गोली चलने से ज्यादा गोली चलने का डर अहम होता है. डर होगा तो इज्जत होगी. दुनिया भर पे मैं राज करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, अगर नवाब राज करेंगे तो फर्क पड़ता है. सुना है तुम्हारी बेटी काफी जवान हो चुकी है, मना कर रखूंगा उसको. दुनियापुर की हवा ही कुछ ऐसी है शायद, जो इस गद्दी पे बैठता है ना उसकी दिमाग में हवा भर जाती है. नवाब और आदमियों की दुश्मनी की किताब में आखिरी बाप होगा, इसके बाद दुश्मनी खत्म. उसने वो सब कुछ कहाँ देखा जो मैंने देखा? तो फिर उसे वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा कि नवाब की नस्ल को क्यों खत्म होना चाहिए. जरूरी तो है अम्मा, जरूरी तो है. दुनिया पर है यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है. गोली तो दूर की बात है, हम किसी को धमकी भी नहीं दे सकते. खाक दुनियापुर पर कंट्रोल करेंगे हम. नामुमकिन और मुमकिन की हदें मकसद तय करता है. मैं खुद अपने रास्ते बनाऊंगी. नवाब की बेटी मैं धोखा देना नहीं चाहती हूँ. जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को शक्कर वालों को लेकर निकल जाओ यहाँ से. और कितनी कुर्बानियां, कितने बच्चे मरेंगे? हर वक्त खून की प्यास नहीं है मुझे. दुनिया पर चलाना है, मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा. गलती कर दी मैंने तुम्हें समझने में. तुम भी उन सब जानवरों की तरह एक जानवर हो. ये सब के सब सांप है. जाकर नवाब के आगे अपने हथियार डाल दो. कोई मुकाबला नहीं है नवाब और आदमों का. मेरी जान की परवाह नहीं करें, किसी भी सूरत में दुनिया पर नहीं देंगे. हम सबकी जिंदगी उसे कीमती है दुनिया पर. आखिरी बूंद भी अगर मुझे दुनिया पर को देना पड़ा तो मैं दूंगी. लड़के देख देखिए नया ड्रामा सीरियल दुनियापुर 25 सितंबर से बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर. मैंने बोलना बंद कर दिया क्योंकि मैं ग्रीन हूँ. हाँ भाई, मेरी बात नहीं, अपने पिछले वाले में भी ये हुआ था, अपन तब भी बोले थे भाई. ओ वेरी पावरफुल वायलेंस भाई, मस्त मजा आया. आई फील मेरे लिए इस पूरे ट्रेलर टीजर ये जो था उसमें हाईएस्ट लेवल जो वायलेंस का और सबका एक पॉइंट पता है जब वो एक ब्राइड बैठी थी और उसको दैट वाज सो गुड. कौन सा वो गोली मारा था और ऐसे और वो पीछे बड़ा फुल्ला था और ऐसे गिरी और एक बार के लिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट कितना धूम धड़ाका उसमें दिखा रहे बट कितना जिस तरीके से दिखाया था. इट वाजंट जस्ट ऐसे ऐसे. वाओ कैसे रिचा कैसे ऐसे ऐसे
ब्राइड क्या गिरी, मतलब एक्चुअली एक बार के लिए तो उसने एक्चुअली एक्टिंग बहुत अच्छी की थी. आई फील इट्स अबाउट द डायरेक्टर. बहुत छोटा सीन था इसके बिहाइंड द सीन्स, ये लोगों को निकालने चाहिए पता नहीं क्यों. वही लोग बोलेंगे पहले तुम ट्रेलर तो देख लो, टीजर तो देख लो. ट्रेलर तो देख रहे हैं हम. ट्रेलर ट्रेलर बोलिए अब. अच्छा ट्रेलर बोलिए यार. सो गुड. एंड कुशाल आई फील इट्स गुड कि वो जितने न्यू हैं वो उतना प्रूव भी कर रहे हैं खुद को. उनके हर अलग अलग जैसा लगता है वो हर इस टाइप का रोल इनको इतना वायलेंस. वो नाम भूल गई मैं वहाँ पे, वो मेंटली चैलेंज थे. हाँ जिनका फर्स्ट आई नो जिसमें अपन ऐसे वो वाला था. हाँ उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को बहुत हद तक खुद ही पार कर दिया था. क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है जब आप न्यू टैलेंट को देखते हो. और आई डोंट नो, मुझे रमशा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी जितना मैं उनसे शायद एक्सपेक्ट कर रही थी. वो चंट है वैसे भी दिखने में. वो अच्छे मतलब डायलॉग डिलीवरी ऑफकोर्स उनकी बहुत अच्छी है, बट देयर इज समथिंग इसमें यू नो जितना वो पावर और रुबाब वाला दिखाना है उनमें से वो एक चीज मिसिंग है. फर्स्ट टीजर में तो मिसिंग थी. हाँ मतलब वही ऑफकोर्स आगे अलग चीजें हो सकती है. और एक भी ये भी है कि हमने रमशा को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रोल्स में देखा है. उनको कोई सीधी सादी भोली भाली टाइप्स के रोल में हमने देखा नहीं, तो ऑलरेडी हमने उतना तो एक्सपेक्ट किया ही था कि वो वैसे तो रहेगी जैसे वो दिखी है इसमें. लेकिन नो एकदम उनकी डायलॉग डिलीवरी एंड ऑल काफी अच्छी थी. लेकिन वैसा हमने उनको जैसे गन वन अगर हाथ में पकड़ाया है तो एक होता है ना जो टशन मिसिंग है बस उतना. नेक्स्ट. ओके पर मैंने पुलिस की नौकरी पैसों के लिए नहीं की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑनेस्टी और डिग्निटी के लिए की थी. माशरे में तब्दीली लाना चाहता था. अगर दुनियापुर जाकर मेरा सोचने का नजरिया बदल चुका है तो यहां के लोग जानवर बन चुके हैं. कानून इंसाफ पुलिस नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही. तो ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं. आज तक यहां जो कुछ भी होता रहा है अब नहीं होगा. लोगों का ईमान बड़ा सस्ता बिकता है यहां. दुनियापुर में हलाल और हराम की तमीज नहीं करते. तमाम चीजें कानून के दायरे में रहकर करना पॉसिबल नहीं होता. तुम सब लोग कितने नालायक क्यों हो? दो दो टके के गुंडे माफिया डॉन बन चुके हैं. तुम एक प्यादे हो और प्यादे की जिंदगी क्या होती है? दो तीन कदम बस. तुम शायद भूल रहे हो नौरोजा, तुम प्यादे कभी वजीर भी बन जाते हैं कभी तो बादशाह को मात भी दे देते हैं. बहुत जल्द सर्व ग्रीन एंटरटेनमेंट पर. ओके आई एम एक्साइटेड क्योंकि वो एक एक कैरेक्टर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूं. ये तो पूरा सिंघम वाइब था भाई. वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर का पोस्टिंग हुआ है यहाँ पे, वो सुधारने की कोशिश. उनके डायलॉग्स अच्छे थे काफी. मोस्टली उनकी लगेगी ही इस सीरीज में. होगा कुछ नहीं, पिटेंगे तो सही हो थोड़े बहुत. वो एक पॉइंट आएगा प्लॉट में जब वो इधर हो जाएंगे बाकियों से, लेकिन फिर ये लोग ऊपर आ जाएंगे और पुलिस थुप हो जाएगी. काफी अच्छे लग रहे थे. आई लव हाउ वेल इट इज डायरेक्टेड. एटलीस्ट टीजर्स में जो देख के लग रहा है, जो सीन्स का आई डोंट नो इवन टीजर्स में ना फ्लो थोड़ा समझ आ रहा है जिस तरीके से. आई थिंक ग्रीन काफी हद तक ही बहुत अच्छा करता भी है. ऊपर से इन्होंने जितना टाइम दिया है ट्रेलर को टीजर को भी इट इज 1.32 सेकंड. ये कोई कोई सीरीज के तो ये ट्रेलर होते हैं यार. हाँ वही. इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट दिस ईयर कभी मैं कभी तुम अगर अपन को नहीं पता था किस प्रोडक्शन का, अपन को ग्रीन अभी याद नहीं था लेटली क्योंकि इनका इतना कम हो गया था बीच में हमारे लिए. वरना फिर अगर जो हमने तब देखना चालू किया था हमें यही लगता कि ये ग्रीन का है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप इन्होंने पकड़ रखा है कि इनका कैमरा वर्क अमेजिंग होगा. इनका एग्जीक्यूशन काफी बहुत अच्छा होता है. फ्रेश है जिस तरीके से ये कर रहे हैं. चलो टीज़र तो चंगारी बहुत छोटी होती है, काम बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर उसे खत्म ना किया जाए. तो आग बढ़ सकती दुनियापुर का सब
एक तरीका है और उस तरीके का नाम डर है। लोगों के अंदर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा राज भी खत्म हो जाएगा। आपसे लोग डरते जरूर होंगे, इज्जत कोई नहीं करता। लोग मेरी इज्जत करें ना करें, मेरे जूते की नोक पर। कई साल पहले तुम यही सोचते थे कि शायद सारी जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा। मैं एक भी आदम को जिंदा देखना नहीं चाहता, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ बना दिया। ये बाजी हमारी है बेटा, तुम तुम्हारा भार इसके प्यादे हैं और हम इसके बाद चल रहे। देखिए दुनियापुर 25 सितंबर से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। कैरेक्टर बहुत अच्छे लिखे हैं, मतलब जितने गंदे वो लगने चाहिए हैं उतने गंदे वो लग रहे हैं। इतने ज्यादा घिनौने लगते हैं ऐसे कैरेक्टर्स, ना क्रीप आउट फील करते हैं उनको देखते। तो होते बुड्ढे हैं, हाँ ये बुड्ढे को ऐसे दिखा देता है, इट इज वेरी क्रीपी आई फील। हाँ वो बहुत डार्क हो जाता है, इट इज वेरी अबाउट इट माय गुडनेस। बट जिस वे से कास्ट किया है और उन्होंने जितना जस्टिफाई किया है उस कैरेक्टर को, वो देख के हमें जो चिड़ मचनी चाहिए वो चिड़ बिना सीरीज देखे मच रही है। आई नो घिनौना, आई नो कि आप बुड्ढे को मारने का मन करता है सच्ची में। आई नो वो उनका मोटिव था कि लोगों को ये लगे। हाँ वही आपको लग चुका है। हाँ हाँ सक्सेसफुल ऐसे टाइप के कैरेक्टर आप कोई भी ओल्ड पर्सन को ऐसा दिखा दो वो वैसा ही लगेगा। आई फील उन्होंने बहुत सोच के एक बुढ़े कैरेक्टर को वैसे दिखाया है। हाँ ऑब्वियसली इतना इजीली इतना गंदा लग सके उनको देख के। नेक्स्ट बट ये जो आर्टिस्ट होते हैं क्या रिस्क लेते हैं, लेकिन उनको देख के फिर वो वैसी फीलिंग आती है, एक इमेज बन जाती है। नहीं मतलब एक दूसरे सीरीज में भी देखने के लिए ना, तो तुम उतने तोड़ हो कि हम भूल भी सके, एक बहुत रिस्क होता है। हमने 12 मिनट वैसे सिर्फ 2-3 चीजों में किए। एक जमाना था कि मैं जूतों समेत इस कमरे में नहीं आ सकता था। मैं क्या मेरे जैसा कोई भी जूतों समेत यहाँ नहीं आ सकता था। बाबों का ख्याल था कि हमारे जूतों से उनका फर्श गंदा होता है। अब मुझे लगता है कि इस फर्श से मेरा जूता गंदा होता है। मुझे मौका मिला तो मैंने नवाबों के तीनों बेटों को मार दिया। नौरोज आदम को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उसे मौका मिलेगा तो वो मेरे खानदान को खत्म कर देगा। घुटनों के बल बैठकर नहीं आया हूं, मैं अपने पैरों पे आया हूं। अगला मौका कब और किसको मिलता है कुछ पता नहीं, बस उसके लिए तैयार रहना है। ये दुनिया पूर है, यहाँ गलत और सही मैं तय करता हूं। यहाँ किसी में इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं है कि मेरे साथ गलत करे। देखिए दुनिया पूर 25 सितंबर से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। अच्छा तो ये राइवल्स हैं और आदम और नवाब हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली फाइट कर रहे हैं, उनके पास भी अपनी पूरी फौज है। आई गेस ये आदम होंगे क्योंकि पिछले टीजर में जो थे वो कह रहे थे कि कोई भी आदम बचना नहीं चाहिए। मोस्ट पता नहीं, गुडनेस आई फील ये तो ऑलरेडी हमने इनको देखा भी है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए बने हैं, वीक कैरेक्टर के लिए बने ही नहीं है। अभी मैं वेट कर रही हूँ रमशा और वही इन 2-3 टीजर्स में उनका उतना नहीं दिखाया कि कनेक्शन भी हम लोग समझ सके कि वो लोग किस साइड के कौन है वैसा। बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, मारेंगे नहीं तो वो हमें मार देंगे। यही कहते कहते 3 भाई इस दुनिया से चले गए, चौथे को मरते हुए नहीं देख सकूंगी। इंसान बेशक जितना अच्छा बनने की कोशिश कर ले, रगों में बहता खून उसकी असलियत दिखाई देता है। उनके रिश्ते बहुत मजबूर कर देते हैं। भाइयों की लाशों का बोझ है कंधों पर,
इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया होता। दुनियापुर में पलने के बाद बदला वो वाहिद कैफियत है जो हर वक्त सर पे सवार रहती है। मरोज़ा आदम मेरे ही हाथों मरेगा। बहुत बड़ा रिस्क है। इनाम उससे भी बड़ा है। अपने माँ के कातिल को मारूंगी। उम्र भर आपकी मर्जी पर पछताई, थोड़ा अपनी मर्जी से पछताने का दिल कर रहा है। प्लेट में सच कर जिंदगी किसी को नहीं मिलती, अपनी प्लेट खुद बनानी पड़ती है। कोई तुम्हारे हाथ में जिंदगी लाकर नहीं देगा, दूसरों के हाथों से छीननी पड़ेगी। देखिए दुनियापुर 25 सितंबर से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। ओके, तो ये वो ओल्ड इनकी स्टोरी और अलग है। आई फील इनका आदम और नवाब छोड़ के ये और भी अलग जगह से रिवेंज है कि हाँ, मेरे भाइयों को, तीन भाइयों को मारा है और मेरी माँ को भी मारा है। हाँ, ये है ऐसा लग रहा है कि नवाब के उधर से है, उनकी पोती है आई गेस, हो सकता है क्योंकि जब वो दोनों बुड्ढे अलग लग रहे हैं, शायद दो डिफरेंट बुड्ढे हैं, शायद नहीं हो सकता है, पता नहीं। तो और वो एक ही है ना, उनके उसमें भी शायद रमशा दिखी थी, लाइक यू नो एज अ साइड पर्सन। मुझे दो बार ऐसा लगा कि वो रमशा थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगा वो मे बी उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती है। और जैसे उन्होंने कहा कि हर बार आपके वजह से पछताई, मुझे ऐसा लग रहा है वो उन्हीं को एड्रेस कर रही है। हाँ, तो ये तो पूरे रिवेंज मोड में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो वैसे ही गाउन के ऊपर सिर्फ वो एक ऊपर लुक जिंदगी कुछ अलग ही फैसले थे। तेरे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था जहां आज तू खड़ा है। रास्ता तबील है, लेकिन एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। इन्हीं जानवरों में पला बढ़ाऊंगा। बस एक गलती ये की है कि खुद को इंसान समझ बैठा। अब नहीं होगी ये गलती। हमें अपनी जगह खुद बनानी होगी और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहीं भी जाएं। और मैं इन सबसे पूछ सब लूंगा तो हमारा है, इसके लिए मुझे जान देनी पड़े, लेनी पड़े। कभी कभी मैं सोचती हूँ शामिल कि काश तुम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते। कम से कम ये शहर एक जल्लाद से बच जाता। देखिए दुनियापुर 25 सितंबर से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। खुशहाल इज जस्ट सो गुड। हाँ वही है, फिर ये आदम है क्योंकि इनका वो नाम ही वो था, आदम समथिंग। हाँ तो इनकी लव स्टोरी कहीं और से थी या वो कोई और थी लड़की? वो लड़की कोई और थी। हाँ मतलब उस लड़की के साथ लव स्टोरी है, वो लड़की कोई बहन वहन या कुछ वैसे है? नहीं, उस लड़की के साथ लव स्टोरी ऐसा लग रहा है ना, लगा तो लव स्टोरी था, बहन तो नहीं लग रही है वो। अच्छा, बट वो खाली स्टार्टिंग में था, बाद में तो कुछ था नहीं उसका। स्टार्टिंग के में भी पार्ट ऑफ स्टोरी होगा वो रिवेंज वाला। फिर गॉड वायलेंस, इतने वायलेंस के लिए क्या लोग वहाँ पे रेडी हैं? वही मैं भी आई थिंक एक और चीज है जो कुछ टाइम पहले तक जब हम ड्रामा देख रहे थे तब पता है खून का ये नहीं दिखा सकते थे, गन नहीं दिखा सकते थे, काफी सारे रूल। अरे हाँ, एक सेकंड, ब्लैक कलर का खून। उसके बाद उन लोगों ने हटा दिया वो रूल, आई थिंक तभी जाके ये एग्जीक्यूशन इतना प्रॉपर हो सकता है, कुछ नहीं हुआ। वरना तो वो गन को ब्लर कर देंगे, फिर खून काला ब्लर हो जाएगा। अच्छा हाँ, उनका तो खून भी काला, मतलब ये दिखा देते
और गन भी ब्लर। हाँ, तो अच्छा हुआ तभी जाके आई थिंक ये वाले स्टोरीज थोड़े वरना लेके भी मतलब नहीं होता यार। लाइक इसके तो प्रॉपर गन शॉट्स तो इतने अच्छे से दिखाए, मतलब धम 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 धम। यार बट एक बात बोलूं, इसका बिहाइंड द सीन देखने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है कि कैसे कितना मजा आएगा इस, और क्या पे तो सर पे कितनों को गोली मार रहे हैं। हाँ, मजा ही आ रहा है। तो मस्त नाइस एडिटिंग, वेरी नाइस एडिटिंग। और ऊपर से ये लोगों ने आई थिंक जो एग्जीक्यूशन किया है वॉयलेंस का वो बहुत अच्छा है। ऐसा खून स्प्लैटर होता हुआ और सब, और कुछ। फिर गोली पीछे, हाँ वो गोली बैक से निकलता हुआ, आई थिंक वो वाले शॉट्स भी इतने अमेजिंग थे, इतने रियलिस्टिक थे, बहुत मजा आया। और है ऐसा लगा हमने कोई एक शॉर्ट फिल्म का प्रॉपर ऐसा कुछ देख लिया है। बस हमें ये नहीं पता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या आने वाला है। ठीक है, बाय।